हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला बाय नीतू निगम। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेशनल साइबर अलर्ट पैक 2022-23, जिसके एग्जाम डेट आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे साइबर ओलंपियाड एग्जाम क्या होता है, इसमें कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्जाम के डेट कब थे हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, रिजल्ट्स आप कौन से वेबसाइट पे इसकी देख सकते हैं और इसके आंसर की कहां पर आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये सारे डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं और यह एग्जाम कौन करवाता है। तो SOF नेशनल साइबर ओलंपियाड साइंस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर साल क्लास फर्स्ट से ट्वेल्थ तक के डिफरेंट सब्जेक्ट में ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट करवाती है। NCO अर्थात कंप्यूटर नेशनल साइबर ओलंपियाड कंप्यूटर सब्जेक्ट में क्लास फर्स्ट से टेंथ तक के बच्चों के लिए ओलंपियाड एग्जाम कराई जाती है, जिसमें क्लास फर्स्ट से टेंथ तक के कोई भी बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर इज नो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक मिनिमम मार्क्स, इसमें कोई भी अदर एलिजिबिलिटी नहीं होती है लाइक मिनिमम मार्क्स। और साथ ही इसमें SOF NCO की सिंगल लेवल एग्जाम ही होती है, एक ही एग्जाम देने पर जो भी आपके रिजल्ट्स होते हैं, जो भी आपको अवार्ड मिलना होता है, वह एक ही एग्जाम के थ्रू आपको मिल जाता है। जबकि अदर सब्जेक्ट में जैसे साइंस, मैथ, इन सब में टू लेवल एग्जाम होती है। अब हम जानेंगे हाउ टू पार्टिसिपेट, एक एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हु रजिस्टर थ्रू देयर रेस्पेक्टिव स्कूल ओनली, इस एग्जाम में स्टूडेंट सिर्फ अपने स्कूल के माध्यम से ही रजिस्टर हो सकते हैं। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक्सेप्टेड नहीं किए जाते हैं। और NCO के लिए दो एग्जाम डेट्स देती है, जिसमें से प्रत्येक स्कूल अपनी कन्वीनियंस के अनुसार कोई भी एक डेट को चूज करके अपने बच्चों का एग्जाम करवा सकते हैं। ईच डेट ऑफ एग्जाम है सेपरेट क्वेश्चन पेपर, प्रत्येक डेट पर अलग सेपरेट क्वेश्चन पेपर होते हैं। चेंज ऑफ डेट फॉर कंडक्टिंग SOF NCO इज नॉट परमिटेड, एक बार एग्जाम के डेट सेलेक्ट कर लेने के बाद इसको चेंज करने की अनुमति SOF नहीं देती है। एग्जाम डेट कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए दो डेट आ चुके हैं, पहला डेट है 24 दिसंबर 2022 और दूसरा डेट है 20 दिसंबर 2022। इन दोनों डेट में से आपके स्कूल जो भी एग्जाम डेट को सेलेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं, उसी डेट पर आपको अपने स्कूल में एग्जाम देना होगा। अब हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होता है। दिस पेपर इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 60 मिनट ड्यूरेशन, कंप्राइजिंग 35 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्लास फर्स्ट से फोर्थ के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, जो एक घंटे का टाइमिंग उनको दिया जाता है और उन्हें 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। इन्हें आंसर जो है OMR शीट पर गोला करके करना होता है, जबकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास फिफ्थ से ट्वेल्थ तक के बच्चों के लिए 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं और आंसर उन्हें OMR शीट में फिलअप करना रहता है। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहला है लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड सब्जेक्ट रिलेटेड यानी कंप्यूटर्स के हो जाएंगे, एंड थर्ड अचीवर सेक्शन, जो भी वो अचीवर सेक्शंस में भी कंप्यूटर से रिलेटेड हाई टिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द मीडियम ऑफ टेस्ट इज इंग्लिश, इस एग्जाम का मीडियम ओनली इंग्लिश ही रहता है और इसमें टेस्ट पेपर जो है CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है और एग्जाम कंडक्ट ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, और एग्जाम जो है स्कूल आवर्स में ही लिए जाते हैं। एंड सबसे अच्छी बात इसमें है नो निगेटिव मार्किंग, इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए आप सभी स्टूडेंट सभी क्वेश्चंस को, चाहे वह नहीं भी आ रहा हो तो आप उसे टिक लगा कर आ सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। अब हम जानेंगे सिलेबस, सिलेबस मैं यहाँ क्लास फर्स्ट से टेंथ तक के सभी क्लास के सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सभी को पढ़कर बताना पॉसिबल नहीं है तो आप वीडियो को स्किप करके अपने क्लास के अनुसार सिलेबस को नोट डाउन कर सकते हैं। क्लास सेवन
क्लास 8 एंड क्लास 10। मैं साथ में ये आपको बताना चाहूँगी क्लास फर्स्ट से 10 तक के क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चन, कौन से सेक्शन से कितने आते हैं और नंबर्स ऑफ मार्क्स कितने रहते हैं। तो क्लास फर्स्ट से फोर्थ तक में फर्स्ट सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग से नंबर 5 क्वेश्चंस रहते हैं या मार्क्स 1 रहते हैं, टोटल मार्क्स 5 हो जाते हैं। एंड सेक्शन 2 में कंप्यूटर एंड आईटी से 25 क्वेश्चन एंड 1 पर क्वेश्चंस मार्क्स रहते हैं 25। एंड अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए मार्क्स होते हैं 2। इस प्रकार 10 मार्क्स हो गए, तो टोटल हमारा जो हो जाता है 35 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स हो जाते हैं 40। इसी प्रकार क्लास 5th से 10th तक के लिए लॉजिकल रीजनिंग 10 रहते हैं 1 मार्क्स के, तो टोटल मार्क्स 10 हो गए। सेक्शन 2 कंप्यूटर एंड आईटी 35 1 मार्क्स एंड 35 हो गए टोटल। एंड अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं और मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चंस 3, सो 15 हो जाते हैं। इस प्रकार टोटल मार्क्स, टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 50 हो जाते हैं एंड ग्रैंड टोटल 60 हो जाते हैं। अब साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी, जो भी हमने सिलेबस क्लास फर्स्ट से 10 तक के डाले, आप सभी बच्चे तैयारी करने के लिए सिलेबस को हाईलाइट करेंगे। कंप्यूटर्स में क्या होता है, हर स्कूल में अलग अलग किताब चलती है, तो आप इसके सिलेबस को ध्यान में रख कर किसी भी बुक से तैयारी कर सकते हैं और इसके क्वेश्चंस को तैयारी कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। साथ ही SOF ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको सैम्पल पेपर मिल जाते हैं, और साथ ही आप एग्ज़ाम के फॉर्म भरते समय वहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा बुक भी मंगवा सकते हैं। बुक की चार्ज 80 रुपीस होती है, जिसमें आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं उसके बुक्स रहते हैं, और साथ ही आप बाहर से भी इसे ले सकते हैं। अब हम जानेंगे इसका रिजल्ट कब आता है। रिजल्ट ऑफ NOCO एंड 2022-23 रिलीज ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके रिजल्ट आते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है sofworld.org, इसको आप खोल कर इसके सारे डिटेल्स भी आप जान सकते हैं, और यहीं से आप स्टूडेंट के रोल नंबर फिलअप करके उनके रिजल्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे आंसर की। SOF नेशनल साइबर ओलंपियाड 2000 आंसर की विल बी रिलीज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, इसके आंसर रिजल्ट आने के बाद इस साइट पे इसके आंसर की भी रिलीज कर दिए जाते हैं, जिससे आप आंसर की को ऑल सेट्स के आंसर की रहते हैं रिलीज कर दिए जाते हैं, जिससे आप क्लास वाइज अपने आंसर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं मैच करके कैलकुलेट ऑफ देयर स्कोर्स, जो ये आंसर की रिजल्ट आने के पहले डाउनलोड कर दी जाती है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए बने रहें। साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूँगी, नेशनल साइबर ओलंपियाड से संबंधित बहुत सारे MCQ हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं क्लास वाइज, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में की तैयारियों में मदद करेगी। थैंक यू।